Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 26 of the Distributed Database Management System course. Let us see what we are going to cover today. Today we are going to start our new topic, and that is transaction management. Transaction management is a topic that uh, you must have studied in your first course of database as well, that is, the course that you studied on the DBMS. In this Course, our main objective is to study the transaction management in the distributed database systems. But you find that uh, we will discuss the basic concepts of transaction management once again. There are two reasons for this. One reason is that uh, it is a sort of revision of the uh, concept that you have already studied or that you already know. And secondly, you will find that.

उसके साथ ये अप्रोच जो कि हम यहां डिस्कस हैं ये कंसिस्टेंट है और सेकेंडली जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बारे में उनको ये चीज स्ट्रेंथन करेगी इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी बेसिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड देन वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन सो लेट स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर दिस इज इंट्रोडक्शन टू ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एंड द बुक दैट वी आर यूजिंग एज अ टेक्सट बुक Uh, this topic is covered in the chapter 10 of that book Database and Transaction Consistency. Database Consistency. What do we mean by a consistent database? Dear students, you already know that a da database models a real world system. That is, a system that exists in the real world that you encounter, that you use, that people use in the real world. डेटाबेस मॉडल्स मॉडल दैट सिस्टम इनटू टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डाटा जो चीज़ें वहाँ पे फिजिकली या बाजफा लॉजिकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं रियल वर्ल्ड सिस्टम में डेटाबेस जो है वो उनको एज डाटा इन द फॉर्म ऑफ डाटा या डिफरेंट ऑपरेशन की शक्ल में उनको कंप्यूटर के अंदर रिप्रजेंट कर रहा होता है बाई कंसिस्टेंट डाटा वी मीन डेट द डाटा इन द डाटा बेस फॉलोज दर्गनाइजेशन रूल्स यानी उसमें जितने भी रूल्स हैं जब हम कहते हैं कि डाटा इज अ मॉडल ऑफ अ रेलवे सिस्टम तो जो रूल्स आपके रेलवर्ड सिस्टम है, में हैं उनको डाटा में इंप्लीमेंट होना चाहिए और डाटा जो मौजूद है डाटा के अंदर बिकॉज वी नो दैट डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट आगे इसके फर्दर कुछ क्वालिटीज uh, हैं तो दैट डाटा शुड ऑलवेज बी फॉलोइंग दोज रूल्स इफ दिस इज अचुएशन देन वी कैन से दैट दिस डाटा बेस इज ए ट्रू रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियल वर्क सिस्टम दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग या हम ये कहेंगे कि डाटा बेस कंसिस्टेंट है तो हमें हमेशा डाटा बेस की कंसिस्टेंसी को मैंटेन करना है और माइंड इट देखिए यू अडॉप्ट मैनी मयर्स मैनी मीन्स मैनी वेज मैनी अप्रोचेज टू मेक द प्रोसेसिंग एफिशेंट येस डैट इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव कि हम किसी भी जगह पर जो प्रोसिंग है एक्टिविटीज है ऑपरेशन हैं दे शुड भी परफॉर्म एफिशियटली बट माइंड इट उससे पहले जो रिक्वायरमेंट है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी करेक्टनेस भी है उसको सही भी होना चाहिए ऐसा ना हो कि इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स एफिशियंट यू मेक दम रॉन्ग दैट इज़ अफ नो यूज तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि जो काम हो रहा है जो ऑपरेशन हो रहा है दैट शुड बी करेक्ट या हम इसको डाटा बेस की लैंग्वेज में ये कहें कि फर्स्ट प्रेफरेंस इज द कंसिस्टेंसी फिशेंसी ओके सो ए डाटा बेस दैट फॉलो ऑल द रूल इट इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंट डाटा बेस उसकी एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि हम कहते हैं कि किसी बैंक के अंदर आपके जो आपका विड्रॉल है वो आपके बैलेंस ज़्यादा नहीं हो सकता दिस इज अजनस रूल आपका जो बिल है आपकी बिजली का आ, बिजली का या गैस का या वो नेगेटिव नहीं हो सकता और सडन गैसेज नेगेटिव हो भी सकता है लेकिन इन जनरल क्या है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता अगर आप किसी बस में किसी जहाज में बुकिंग करा रहे हैं तो जितनी उसमें सीटें हैं उससे ज़्यादा उसमें बुकिंग नहीं हो सकती है पाकिस्तान में तो कोचेज़ में ख़ासतौर पर सीटों से डबल लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन जनरल अगर रूल्स की बात करें अच्छी सर्विसेज जो हैं या जहाज़ में जब तक के वो वक्त नहीं आता कि लोग जहाज में खड़े होकर सफ़र करें तो एक जनरल रूल ये है कि जितनी सीट्स आपके पास हैं उससे ज़्यादा बुकिंग नहीं कर सकते इसी तरह आप कहते हैं कि अगर किसी शख्स को हमने अगर प्रोग्रामर के तौर पे अपॉइंट करना है तो ही मस्ट हैव ए बी सी एस और एम और ऐसी कोई डिग्री होनी चाहिए ऑल दीज आर बिज़नेस रूल्स वन वी से द डाटा बेस इज़ कंसिस्टेंट इसका मतलब ये है कि जो भी सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें जो रूल्स हैं उस बिज़नेस के डाटा में जो डाटा पड़ा हुआ है वो उसको फॉलो करना चाहिए उसके मुताबिक होना चाहिए ऐसा ना हो कि डेटा की सिचुएशन ऐसी हो कि जो कि किसी रूल से कन्फ्लिक्ट कर रही है या उसको वायोलेट कर रही है मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि बैंक के अंदर जो कस्टमर है या जो अकाउंट होल्डर है इस बैलेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ऐसा ना हो कि किसी अकाउंट होल्डर का बैलेंस जो है वो नेगेटिव पड़ा हुआ हो अनलाइक दैट ना हो ट्रांजेक्शन इज़ ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क और जब हम कहते हैं कि लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इट मीन्स के कोई इसकी फिक्स uh, बाउंड्रीज नहीं है कि क्या है बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन दिस्टम दिस्टम दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट डिफाइंस या दैट इन्वायरमेंट डिफाइंस के वट मेक्स ए ट्रांजेक्शन तो अब ट्रांजेक्शन जो है उसमें मुख्तु ऑपरेशन इन्वाल्व होते हैं वो एक ऑपरेशन भी हो सकता है और मल्टीपल ऑपरेशन भी हो सकते हैं कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन से मुराद ये ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि डाटा बेस कंसिस्टेंसी को मेनटेन रखे या उसको वॉलेट ना करें डाटा बेस को इनकन्स्टेंट ना करें देखिए दिससेप्ट डाटा बेस स्टेट डाटा बेस स्टेट से मुराद ये है कि द डाटा इन द डाटा बेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट एस्टेबलिश या फॉर्म्स द डाटा बेस स्टेट तो यानी जब आपने डाटा बेस क्रिएट किया इनिशली इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इस वक्त आपने कहा कि डाटा बेस एम टी है आपने उस पर रिकॉर्ड एड करना शुरू किए तो किसी भी मोमेंट पे वेन एवर यू एग्जामिन वन एवर यू सी द डाटा द डाटा इन द डाटा जो भी सख्त है वो उसकी करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा तो कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन से मुराद ये है कि वो डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर दे दिस दिस रिकॉर्ड ए कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन है जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे इससे आप देख रहे हैं कि हमने कहा कि ये जो इस पे हॉरिजेंटल स्टेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है जनरल प्रोसेसिंग को इस पर एक सर्टन पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कि दिस इज अ पॉइंट वेयर ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन स्टार्ट ओके और हम ये अस्यूम करते हैं ऐसा सिचुएशन है कि डाटा जो है वो इस ट्रांजेक्शन के स्टार्ट के ऊपर इज इन ए कंसिस्टेंट स्टेट जिस वक्त ट्रांजेक्शन ऑन है ट्रांजैक्शन ऑन से अमराद ये है कि ट्रांजैक्शन में जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो एक्सीक्यूट हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम डाटा बेस में भी इनकन्सटेंट टेम्परि क्योंकि जो ऑपरेशन हो रहे हैं जो कि कलेक्टिवली एक ट्रांजैक्शन को बनाते हैं उन ऑपरेशंस के दौरान ऐसा हो सकता है कि आपका डाटा कुछ देर के लिए इनकन्सटेंट हो जाए लेकिन ऑब्जेक्टिव यह है कि वैन वी रीच द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन वैन वी सेक एट नॉ दिस ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीटेड तो उस पॉइंट पे डेटाबेस वंस अगेन शुड बी इन ए कंसिस्टेंट स्टेट तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसी इन्वामेंट uh, को हम कहेंगे कि दिस इज अ कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ द कंक्रंट एक्सेस टू द डेटाबेस बाय मल्टीपल यूजर्स देखिए कि अगर अबाउट ए पी बेस्ड डाटा बेसल यूजर है उस पे, एक बंदा उस पर ऑपरेशन uh, कर रहा है एक वक्त एक बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है तो दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेनटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा बेस और उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता लेकिन वेन मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग डेटा बेस एट द सेम टाइम दैट इज़ कॉल्ड द कंकरंट एक्सेस और इस सिचुएशन में डाटा बेस की कंसिस्टेंसी को मैंटेन करना इज़ ए डिफिकल्ट जॉब और इसके लिए आपको प्रॉपर मैथडोलॉजिज की प्रॉपर रूटीन्स की जरूरत है कि जिनको फॉलो करते हुए

जब डेटाबेस बेस से से कंसिस्टेंट स्टेट में था अब लट्स देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि उस स्पेस से डाटा रीड कर रही हैं तो जहरा है कि ऑल दीज रीड ऑपरेशन दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द डाटा बेस वैन इज देंज चेंज इन द स्टेट ऑफ द डेटाबेस। बेस इट मीनस दैट देर इज द चांस ऑफ गेटिंग द डाटा बेस इन टू एन दंसिस्टेंट स्टेट रीड ओनली ट्रांजेक्शन जो हैं मल्टीपल हो एक हो they cause no threat to the consistency of the database. However, if one or more transactions, they are updating the database. If they are making some changes in the data in the database, then there is very much danger of getting the data into a into an inconsistent state. If we do not handle them properly. Or Zahir hai, ek general jo environment hai database ki उसके अंदर यू ऑलवेज एक्सपेक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास सिर्फ रीड ओनली की एप्लीकेशन uh, आएंगी या रीड ओनली की रिक्वेस्ट आएंगी कोई स्पेसिफिक ऐसी एप्लीकेशन हो सकती है बट दैट्स वेरी रेयर इन जनरल यू हैव टू कंसिडर और स्पेशली जब आप कोई इसके लिए uh, एक मेकेनिज्म डिफाइन कर रहे हैं तो उसको तो जाहिर है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यू विल गेट ऑनली रीड ओनली ट्रांजेक्शन नो

ऑल दो दिस इज नैसक्यू एल लेकिन अदरवाइज इसमें जो टर्मनोलॉजी या कुछ और जो स्टेटमेंट हैं वो सीको सर्वर की इसमें स्ट्रेटेजी है अब इसमें देखें कि शुरू में आपके पास एग्जाम्पल है टी एस क्यूएल की ट्रांजेक्शन जो है बजट अपडेट ये हमारे पास ट्रांजेक्शन का एक नाम है ये हमने इसको डिक्लेयर किया कि ये ट्रांजेक्शन है उसका ये नाम है फिर हमने कहा बिगिन दैट्स द बिगिन ऑफ द ट्रांजेक्शन उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है एग्जैक्ट एक्स क्यूएल अगेन फ्राम एक्सक्यूल सर्वर अपडेट जे और फिर क्या है के सेट बजट इज इक्वल टू बजट स्टार वन पॉइंट वन वेयर जे नेम इज इक्वल टू कैट कैम इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने एक पर्टिकुलर तो नहीं कहना चाहिए बल्कि कुछ रिकॉर्ड्स जिनमें के प्रोजेक्ट का नाम कैट कैम है वो एक रिकॉर्ड एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं तो जिस जगह पर प्रोजेक्ट का नाम कैट कैम है वहाँ पर आपने बजट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया वन से या उसको कर दिया तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांजेक्शन अभी तक जो हम शुरू में जब हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने जो एग्ज़ाम्पल डाटा बेस लिया था उसमें आपको याद होगा कि उसमें एम्प्लॉय शामिल था पे था इसके अलावा प्रोजेक्ट था और असाइनमेंट इस तरह के हमारे पास टेबल्स थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यानी कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के लिए हमने एक नया एग्ज़ैम्पल डाटा बेसो इस्तेमाल करेंगे इसमें आप देखिए कि हमने यहाँ आपके सामने तीन टेबल्स हैं इसमें पहला टेबल है फ़्लाइट का जिसमें के फ्लाइट नंबर जो कि इसकी प्राइमरी की है फ्लाइट डेट है फ्लाइट सोर्स फ्लाइट डेस्टिनेशन इनके कहाँ से चलेगी कहाँ जाएगी और कितनी इसमें सीट्स होल्ड हो चुकी हैं और उसमें कितनी कैपेसिटी है ये फ्लाइट के एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर उसमें एक और टेबल जिसमें कस्टमर नेम है जो कि इसकी प्राइमरी की डिक्लेयड है कस्टमर एड्रेस है और कस्टमर का बैलेंस है इसके बाद फ्लाइट कस्टमर ये एक हमने जो रिलेशनशिप था इनके दरमियान उसके लिए एक टेबल बनाया जिसमें एक फ्लाइट नंबर फ्लाइट डेट और कस्टमर नेम ये तीनों मिलके हमारी प्राइमरी की हैं और कस्टमर स्पेशल में इसके अगर कोई कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि मुझे फ़ला तरह की फूड चाहिए या फला चीज़ें तो ये उसमें आएगा तो ये एग्ज़ाम्पल जो टेबल्स हैं हम इस्तेमाल करेंगे अपनी आंदा की डिस्कशन में आपके सामने ये एक ट्रांज़ेक्शन की एग्ज़ाम्पल है जो कि पिछली ट्रांजेक्शन से कुछ बढ़ी है इसमें देखिए दोबारा वही हमने सिको सर्वर का जो सिंटेक्स है वो अडॉप्ट किया है कि ये हमने एक बिगन ट्रांज़ेक्शन रेजर्वेशन हमने एक ट्रांजेक्शन का नाम रखा हुआ है इसमें जो इस ट्रांज़ेक्शन को जो इनपुट देंगे उसमें दो तीन चीज़ें हम देंगे इसको एक देंगे फ़्लाइट नंबर एक देंगे डेट और एक देंगे कस्टमर का नाम कि जिसके बेस पे इस ये जो प्रोसीजर है ये जो ट्रांजेक्शन है ये रिजर्वेशन करेगी किसी भी पैसेंजर के लिए किसी पर्टिकुलर फ़्लाइट में इसमें देखिए पहले शुरू में एक एसकअल की हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें हमने ये कहा हुआ है कि कि हमने कहा कि सेलेक्ट सीट्स सोल्ड और कैपेसिटी एंड टू टैंप वन कॉमर टैंप टू अब हम ये कर रहे हैं कि uh, हम ये कर रहे हैं कि हम ये दो हमारे जो डेटाबेस के एट्रीब्यूट थे सीट्स सोल्ड और कैपैसिटी इनको हमने सेव कर लिया है दो टेम्प्रेरी वेरिएबल्स में और हमने साथ क्या लगाया कि वेयर फ्लाइट नंबर इज इको टू तो फ्लाइट नंबर एंड डेट इज इक्वल टू डेट और ये तो ये जो दो एटीट्यूट थे इनको हमने इनपुट लिया है ओके अब यहां पर आगे हमने चेक लगाया हुआ है कि इफ़ टेम्प वन इज इक्वल तो टू टेम्प टू टेम्प वन में आ रहा कि सोल्ड है कि कितनी सीट होल्ड हुई हैं और टेम्प टू में आ रहा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है तो यहां पर ये आ रहा है कि अगर जितनी एक प्लेन में कैपेसिटी है उतनी सीट सोल्ड हो चुकी हैं तो इसका मतलब है कि नो फ्री सीट्स और ये ट्रांजेक्शन अबॉट हो जाएगी यानी इसका मतलब यह है कि हमारे जहाज पे पैसेंजर खड़ा होकर सफर नहीं कर सकता चुनाचे आपने कहा के नो फ्री सीट्स अवेलेबल और ये आपने इस ट्रांजेक्शन को अबॉट कर दिया अब अबॉट जो है यहाँ पे ये नया लफ्ज़ है एल्स एल्स का किसका ये जो इफ है इसका एल्स लगा हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें कि तमाम सीट्स होल्ड नहीं हैं तो हमने क्या किया हमने अपडेट कर दिया सीट्स होल्ड को उसमें एक ऐड कर दिया कहा पे? जहां पे फ्लाइट नंबर और डेट जो है वो हमारी गिवन फ्लाइट नंबर डेट के बराबर है और साथ हमने ये किया कि जो हमारे पास एफ सी टेबल था उसके अंदर हमने इस बुकिंग की डिटेल्स एंटर कर दी और साथ ही हमने लिखा हुआ है कमिट और फिर हमने कहा कि रिजर्वेशन कंप्लीटेड और जहाँ पे हमारे इस ट्रांजेक्शन का एंड हो गया डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट है टू थिंग्स हियर वन इज द अबाउट एंड अदर इज कमिट अबाउट एक ऐसी सिचुएशन है कि जब हम ये कहते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है दैट इज कैंसल्ड दैट इज़ नॉट डन और कमिट से मुराद ये है कि वेन वी स ट्रांजेक्शन हैज़ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली अबाउट केस में जो ट्रांजेक्शन है इट डज नॉट मेक एनी चेंज इन द डाटा बेस सो इट मीन्स के डाटा बेस रिमेन्स इन द स्टेट इन विच इट वॉज बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वेयर इन द केस ऑफ कमिट डाटा बेस मेक्स सर्टन चेंजिस इन द डाटा बेस एंड द सेकेंड थिंग दो चेंजेस आर कन्फर्म दे आर परमानेंट सो दीज आर टू एंड स्टेट्स या एंड पॉइंट या एंड कंडीशन फॉर ए ट्रांजेक्शन सो इट ट्रांजेक्शन विल इधर अबार्ड और इट विल कमिट ट्रांजेक्शन कमिट्स नो एक्सिक्यूशन केस ऑफ एन अबार्ड कमिट्स मेक्स परमानेंट चेंजेस आप ये भी देख लें कि कमिट इज़ कॉर्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जब कमिट हो गया उसके बाद आप उन चीज़ को फिर वापस नहीं ले सकते बिकॉज दो चेंजेस आर दैन परम इन द डाटा बेस यहाँ पे अब हमारे पास एक, एक कुछ नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है दैट इज रीड एंड राइट सेट्स तो रीड एंड रर मेजर ऑपरेशन ऑफ डाटा बेस कंसर्न इन अ ट्रांजेक्शन ज़ाहिर है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि एप्लीकेशन जो है उसमें तो बहुत से और ऑपरेशन भी हो सकते हैं जैसे हमने पिछले की ट्रांजेक्शन की जिसमें हमने कहा था कि आपने जिसने कि आप बजट को आपने ब्लड से मल्टीप्लाई किया किस चीज़ से बट इफ दैट थिंग इज हैपनिंग इन द प्रोग्राम दैट इज इन द रैम देन दैट डज नॉट कंसर्न द डेटाबेस लेकिन जो डेटाबेस से कंसर्न है वो है रीड और राइट ऑपरेशन के साथ जो कि ट्रांजेक्शन में या एप्लीकेशन के अंदर होते हैं चाचे वो तमाम डाटा आइटम्स दैट आर रेड ड्यूरिंग ए ट्रांजेक्शन दे फॉर्म the read set of a transaction similarly the set of data items whose values are changed by this transaction or yeah, by any transaction that set i mean the set of those elements that are changed during a transaction they form the write set of a transaction and uh, in the same way we can call the base set base set means any data item that is read और इज़ रिटन डूरिंग ए ट्रांजेक्शन दैट फॉर्म्स द बेस सेट ऑफ ए ट्रांजैक्शन और फिर उसने तो ये भी कहा है कि रीड सेट एंड राइट सेट नीड नॉट टू बी मोस्टली एक्सक्लूसिव यानी ऐसा हो सकता है कि आप एक डाटा आइटम को रीड कर रहे हों और उसी को आप राइट भी कर रहे हो इसका मतलब है कि और ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ वो सिर्फ रीड करें कुछ वो सिर्फ राइट करें नहीं सेम आइटम को आप रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं हाँ यह है कि जब आप उसका बेस सेट लेंगे तो उस ज़ाहिर है कि वो आइटम एक ही दफ़ा आएगा क्योंकि वो रीड या राइट हो रहा है चाहे वो दोनों उस पर ऑपरेशन हो रहे हैं अबव कैरेक्टराइजेशन आर सिंपल सिंस दे डू नॉट कंसिडर इंसर्ट एंड डिलीट सो कंसर्न मोर ए स्टैटिक डाटा देखिए जब आप डाटा की प्रोसेसिंग को देखते हैं तो ज़ाहिर है कि जो एक मॉडरेट लेवल से बड़ा डाटा बेस है उसके बेतहाशा यूजर्स भी हो सकते हैं लाइक दे कुड कु हंड्रेड और इवन एन थाउजेंड्स एक्सेसिंग डेटाबेस एट द सेम टाइम और ज़ाहिर है कि वो यूजर्स जो है वो हर तरह का ऑपरेशन जो है उसके ऊपर कर सकते हैं यहाँ पे हमने जो अभी तक हमने जो ट्रांजेक्शन की या उसके ऑपरेशन की बात की है उनके अंदर हमने कंसिडर किया है रीड को और राइट को और राइट जो तो है वो यहाँ पर वो नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो दो मेजर ऑपरेशन थे इंसर्ट और डिलीट उनको हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया तो जाहिर है कि uh, जो इंसर्ट स्टेटमेंट है दैट इज इंक्रीजिंग साइज़ ऑफ द डाटा जो आपका डिलीट स्टेटमेंट है जो डिलीट ऑपरेशन है दैट रिड्यूस दाइज ऑफ योर डाटा इसका मतलब ये है कि जो इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन हैं दे इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ द डाटा सो हम उनको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे तो उसमें इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में उन ऑपरेशन को जब कंसिडर नहीं कर रहे कि जो कि डेटाबेस के साइज़ पे फैक्ट डाल सकते हैं इट मीन्स के आवर टारगेट इज ए सॉर्ट ऑफ स्टैटिक डेटाबेस। स्टैटिक इसलिए कि उसमें कोई चेंज इन द साइज नहीं हो रही तो उसका चूँकि साइज रिमेन द सेम क्योंकि जो अपडेशन ऑपरेशन जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं उससे उसके साइज में इतना फर्क नहीं पड़ताल्ड ए स्टेटिक डाटाबेस और अगर एक डेटाबेस में आप इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन भी कंसिडर कर रहे हैं और जैसे कि नॉर्मली होता है तो उस केस में हम कहेंगे दिस इज अ डायनामिक डेटाबेस और अब हम यहां पे यू कर रहे वो इसलिए टू कीप द थिंग्स सिंपल सो हियर इज अबिट फॉर्मलिज्म कुछ फॉर्मल नोटेशंस हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लेट ओ आई जे एक्स वी समरेशन ओ जे ऑफ ट्रांजेक्शन टी आई ऑपरेटिंग ऑन डेटा आइटम एक्स वेयर ओ जी बिलोंग टू ए सेट दैट कंटेन्स रीड एंड राइट ऑपरेशन एंड ओ जे इज अटोमिक टी आई हमारी ट्रांजेक्शन है टी आई हमारी ट्रांजेक्शन है और उसमें डिफरेंट ऑपरेशन हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम कहेंगे ओ आई जे एक्स ओ आई जे में से आई जो है वो ट्रांजेक्शन को डिनोट कर रहा है जे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को, और एक्स वो डेटा आइटम है जिसपे के ऑपरेशन होना है और जब हम ये कहते हैं ओ जे इज ए सेट इसका मतलब ये है कि ओ जे एक वक्त में या रीड होगा या राइट होगा और अटोमिक से मराद यह है कि ये, ये पूरा का पूरा ऑपरेट होगा ऐसा नहीं हो सकता कि वो आधा हो या आधा ना हो ये जब भी होगा रीड या राइट ऑपरेशन ये कंप्लीटली एक्सिक्यूट होगा अब हम ये कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टी आई इज इक्वल टू ओ एस आई एंड दैट इज़ यूनियन ऑफ ऑल ओ आई जे जिन अगर हम एक ट्रांजेक्शन के तमाम ऑपरेशन का यूनियन ले लें और जो सर के रीड एंड राइट हैं ऑन डिफरेंट टाइट आइटम्स तो इसको जॉइंटली हम कहेंगे ओ एस आई मीन ऑपरेशन सेट ऑफ द ट्रांजेक्शन आई अब देखिए कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक और सेट है एन आई जो कि बिलोंग करता है एक सेट से जो कि है अबॉट और कमिट इसका मतलब है कि एन आई या तो अबॉट होगा या कमिट होगा तो यहां पे वो ये कहते हैं कि ट्रांजेक्शन टी आई इज ए पार्शल ऑर्डर टी आई दैट इज इक्वल टू सिग्मा एंड दिस प्रेसिडेंस यहां पे हमने ये साइन इस्तेमाल किया लेस देन का लेकिन लेस देन को हम जो यूज कर रहे हैं वो एज ए ये उससे पहले है तो टी आई बेसिकली दो चीजें हैं एक है सिग्मा आई और एक है प्रिस आई वेयर सिग्मा इज इक्वल टू ओ एस आई यूनियन एन आई यानी उस ट्रांजेक्शन के तमाम ऑपरेशन यूनियन एन आई और जहरा कि जो एन आई है वह या अबाउट होगा या कमिट होगा ओके दूसरी जो इसकी कंडीशन है बेसिकली हम ये करके आ रहे हैं ये हम एक ट्रांजेक्शन को फॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि तो पहले तो हमने कहा था ना कि ट्रांजेक्शन इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क अब ये उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है पहले में हमने ये कहा कि नहीं पहली बात तो हमने ये कही कि ट्रांजेक्शन इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिग्मा आई एंड प्रिस आई अब सिग्मा आई क्या चीज़ है सिगमा जिसने कहा है कि उस ट्रांजेक्शन के रीडायरेट ऑपरेशन -right है और यूनियन अबाउट रेकमिट दूसरी कंडीशन कहती है कि फॉर एनी टू ऑपरेशन ओ आई जे एंड ओ आई के ठीक है ना अब चूंकि हमारे पास ट्रांजेक्शन एक ही है आई ट्रांजेक्शन है इसलिए यहां पर इस्तेमाल हुआ ओ आई जे एंड आई के ट्रांजेक्शन सेम है लेकिन जे एंड के दे आर डिफरेंट ऑपरेशन ओके एंड बोथ बिलोंगिंग टू ओ एस आई इफ ओ आई जे इज इक्वल टू आर एक्स यानी कि वो एक्स को रीड कर रही है एंड ओ आई के जी को टू राइट एक्स फॉर एनी डाटा आइटम एक्स दैन ईधर ओ आई जे प्रिस ओ आई के और ओ आई के प्रिसड्स ओ आई जे देखिए अभी तक हमने ट्रांजेक्शन की जो जो डेफिनेशन है उसमें से हमने दो पॉइंट डिस्कस किए हैं पहले बात हमने ये कहा है कि उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक तो उसके ऑपरेशन जिनमें कि वो यानी उसमें हमें कहेंगे कि वो तमाम ऑपरेशन जिसके रिडाट ऑपरेशन और अबाउट रिकमेट ये तो उसके ऑपरेशन हो गए दूसरा हमने यह कहा कि अगर उसमें कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं कि जो सेम डेटा आइटम को रीड और राइट कर रहे हैं ठीक है उस केस में यू हैव टू मेंशन कि रीड एक्स पहले है और राइट एक्स बाद में है या कि राइट एक्स पहले और रीड एक्स बाद में है देट इज इट इज कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर पार्शल ऑर्डर इस सेंस में कि जो जितने हमारे ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस के दरमियान जो ऑर्डर है वो मैटर करता है सब के लिए नहीं कुछ के लिए और वो कुछ कौन से हैं जिनकी के सिग्निफिकेंस है वो वो हैं कि जिन में आप सेम डेटा आइटम को रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं आप ऑर्डर जो मर्जी रखें लेकिन ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि ट्रांजेक्शन को मेंशन करते हुए ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई करते हुए यू विल हैव टू मेंशन द ऑर्डर ऑफ सच ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन जो कि सेम डाटा आइटम को रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अ थर्ड कंपोनेंट एंड व्हाट इट सेज ये कहता है कि फॉर ऑल ओ आई जे बिलोंगिंग टू ओ एस आई ओ आई जे प्रिस एन आई यानी जो कमिट और अबॉट ऑपरेशन में से जो भी ऑपरेशन आपकी ट्रांजेक्शन में आता है दैट हैज टू बी लास्ट ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन तमाम ऑपरेशन जो कि के अंदर हैं वो अब या कमिट से प्रोसीड करना चाहिए उससे पहले होने चाहिए तो ये तीन बेसिकली कंपोनेंट्स हैं हमारी एक ट्रांजेक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन के अब ये कहता है कि ऑर्डरिंग बिटवीन ऑपरेशन एग्जिस्ट इन एप्लीकेशन देखिए अब आपकी जो ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि देर मस्ट बी एन ऑर्डर बिटवीन सर्टन नेचर ऑफ ऑपरेशन लेकिन साथ ही वो ये भी बात कहती है कि दैट ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड बाय द लेट्स ए डिजाइनर लेट्स ए बायिनेशन ट्रांजेक्शन नो दैट ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एप्लीकेशन इन द एनवामेंट इन द सिस्टम एंड यू एज ए डिजाइनर या डी बी एम एस पे या डी बी ए They would identify it, but the point is whenever you define a transaction, in such cases, in certain nature of operations, you have to define the order between the operation because that is significant. Okay, ordering between conflicting operations has to exist in Sigma I, Sigma I basically is its partial order. That is, all operations' order that is partial. Partial is what it we don't we certain operations' order.

और उनमें से कम अज कम एक जो है वह राइट ऑपरेशन अगर है तो ऐसे ऑपरेशन को हम कहेंगे कि दीज आर कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन और जो हमारी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन है उसमें यही है बेसिकली कि हमें कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन का ऑर्डर लाजमी तौर पर मैंशन करना है इन द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन अब देखिए फर्ज़ करें कि यह हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है जिसमें हमारे पास है रीड एक्स रीड वाई फिर हमारे पास एक्सोट एक्सप्रेस वाई और फिर हमारे पास है राइट right एक्स और फिर कमिट तो इसमें हमारे पास जो सिग्मा होगा यानी जो इसके सेट ऑफ ऑपरेशन होंगे वो क्या होगा वह है आर एक्स आर वाई डब्ल्यू एक्स एंड सी या दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रीड ऑपरेशन और जो डब्ल्यू है दैट रिप्रेजेंट द राइट ऑपरेशन तो इसमें जो हमारे पास सिगमा है बेसिकली जो उसके सेट ऑफ ऑपरेशन है वो तो ये हो गए ये तमाम ऑपरेशन और कमिट उसके बाद जो हमारे पास इसका एक जो पार्शल ऑर्डर है वो ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कि उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया हुआ इसका मतलब ये है कि जब हमने लिखा कि आर एक्स और डब्ल्यू एक्स इसका मतलब ये है कि रीड एक्स का ऑपरेशन जो है वो राइट right एक्स से पहले होना चाहिए उसके बाद आर वाई और डब्ल्यू एक्स इससे मराज यह है कि जो हमारा आर वाई का जो ऑपरेशन है यानी कि जो रीड हम वाई को कर रहे हैं वो भी हमें राइट right एक्स से पहले करना चाहिए ठीक है और देखिए ये पार्शल ऑर्डर है इसलिए कि हमने सबके दरमियान हमें देने की जरूरत नहीं है मिसाल के तौर पे हमें रीड एक्स और वाई के दरमियान ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है अच्छा उसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट वी हैव गॉट थ्री ऑर्डर वेयर इट इज दैट इन तीनों ऑर्डर पेयर का मतलब यह है कि द कमिट ऑपरेशन प्रिसीड्स ऑल ऑपरेशन ये अपने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि द कमिट ऑपरेशन शुड बी द लास्ट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन तो so, जो हमने फॉर्मल डेफिनेशन दी है अपनी एक ट्रांजेक्शन की उसके मुताबिक दिस इज हाउ वी शुड राइट ए ट्रांजेक्शन लेकिन उसका यह है कि इसका एक ज्यादा कन्वीनियंट तरीका जो हमारे पास है और जिससे हम लिखते हैं बजाय इसके सिगमा और फिर यह प्रेसिडेंस का जो फॉर्मेलिटी है उससे लिखे हम इसको नॉर्मली यू लिख लेते हैं कि टी इज इक्वल टू जैसे आखिर में लिखा हुआ है आरएक्स आर वाई डब्ल्यू एक्स एंड सी अब इस केस में जो आपकी ये नोटेशन है ये आपको दोनों चीजें बता रही है यह आपको जो ऑपरेशन है उसके अंदर वो भी बता रही है और साथ ही जो उनका ऑर्डर है वो भी बता रही है नेक्स्ट वेरी फेमस थिंग दैट इज कॉल्ड द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन और आपको पता ही है कि एसिड से बनता है पहली जो इसकी प्रॉपर्टी जो कि ए से बनती है दैट इज दटोमिसिटी ऑल्सो नोन एज ऑल और नन प्रॉपर्टी रेफरस टू द अटोमिसिटी ऑफ एंटायर ट्रांजेक्शन रदर दैन एन इंडिविजुअल ऑपरेशन यानी ट्रांजेक्शन का यह है कि या तो वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो या वो बिल्कुल एग्जीक्यूट ना हो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्ट ऑफ ए पार्शल एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन नहीं ऐसा नहीं है पूरी की पूरी होगी या बिल्कुल नहीं होगी दैट इज वाइट इज कॉल्ड ए एन अटोमिक एंटिटी एन अटोमिक थिंग और यहां पर जब अटोमिसिटी की बात करते हैं उसने कहा कि वो ऑपरेशन की बात नहीं क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ऑपरेशन के बारे में हमने कहा था कि दे आर कि वो पूरे के पूरे एग्जीक्यूट होंगे नहीं होंगे लेकिन जहां पे जो हम प्रॉपर्टी की बात करें दैट करस्पॉन्ड्स टू दी ट्रांजैक्शन इट फिर ये कहता है कि इट रिक्वायर्स फ्रॉम सिस्टम टू तो डिफाइन सम एक्शन इन केस ऑफ एनी इंटरप्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ टी यानी ऑटोमिसिटी की जो एक प्रॉपर्टी है उसके साथ ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जो डी है इट शुड डिफाइन सम रूल्स सम मैकेजम जिस वक्त एक ट्रांजेक्शन अगर एक्सिक्यूट हो रही है कोई उसमें इंटरप्शन हो जाती है तो उस केस में क्या करना चाहिए दिस इज़ द जॉब ऑफ और दिस इज़ वन ऑफ द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द डी बी एम एस तो ट्रांजेक्शन की तो रिक्वायरमेंट यह कि आई शुड भी अटोमिक ट्रांजेक्शन की तो प्रॉपर्टी है तो लेकिन जाहिर है कि आप इनट्रप्शन को किसी वक्त भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कोई किसी भी रीजन से उसमें दरम्यान में इंटरप्शन हो सकती है अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई चुनाचे डी बी एम एस हैजेक कि आप उस केस में क्या करना चाहिए क्योंकि अगर वो ट्रांजेक्शन पार्शली एग्जीक्यूट हुई है और देर इज समय जाहिर है कि जब आपका डेटाबेस जो है वो टूकेडी से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन डाटा मे भी इन एन इनकिस स्टेट तो देर इज ए कि जब वो सिस्टम द्वारा अप होगा तो वो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में होगा और दूसरी बात है कि जो फाइनल स्टेट इस ट्रांजैक्शन के बाद होनी चाहिए थी डेटाबेस की वो भी नहीं होगी तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इंटरप्शन केस में डीबीएमएस को क्या करना चाहिए इट हैज टू बी डिफाइंड टू टाइप्स ऑफ फेलियर्स रिकार्डिंग प्रोसीजर्स फ्रॉम ट्रांजेक्शन रिकवरी और क्रैश रिकवरी सडन केसेज में ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी आ, किसी वजह से ब्रेक हो गई वहाँ तो से रिकवर करना है दूसरी बात है कभी आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उसको रिकवर करना ये इसमें शामिल है रिकवरी के अंदर जो कि डीबीएमएस को ख्याल करना एसे प्रॉपर्टीज में से जो दूसरी प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी एंड इट रेफर सिंपली टू द करेक्टनेस ऑफ ए ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन शुड ट्रांसफॉर्म द डाटा बेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनादर कंसिस्टेंट स्टेट बात पहले कर चुके हैं दिस इज द कंसर्न ऑफ सीमेंटिकोल कंट्रोल यानी ये दोनों चीजें रेस्पॉन्सिबल है के जिससे कि कंसिस्टेंसी जो है वो डाटा बेस की मेंटेन होती है अब बात यह है कि कंसिस्टेंसी के डिफरेंट लेवल्स डिफाइंड हुए हैं चार डिफरेंट लेवल डिफाइंड है कंसिस्टेंसी के इससे हम बात है कि जो डिफरेंट डी बी हैं वो उन चार कंसिस्टेंसी लेवल्स में से कोई भी लेवल जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं अब वो जो कंसिस्टेंट लेवल ज़ाहिर है कि वो बेस करते हैं एक टर्म है डेट इज़ कॉल्ड द डर्टी डाटा डर्टी डाटा ऐसे डाटा को कहेंगे कि जबकि एक ट्रांजेक्शन में मुख्तु ऑपरेशन हर के रीड और राइट ऑपरेशन हैं और डर्टी डाटा उसको कहेंगे कि जब एक ट्रांजेक्शन जो है वो राइट ऑपरेशन कर जाए या एक राइट ऑपरेशन जो है वो एक्चुअली राइट हो जाए डाटा वो चेंज रिफोर द ट्रांजेक्शन कमिट्स ट्रांजेक्शन अभी कमिट स्टेटमेंट तक नहीं पहुँची जब ट्रांजेक्शन अभी कमिट नहीं कहा जब वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं हुई उससे पहले ही वो राइट ऑपरेशन हो चुके हैं द डूरेशन वैन दैट राइट ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड एंड द टाइम व्हेन दैट कमिट इज अल्टीमेटली एक्सिक्यूटेड द ड्यूरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स उस दौरान इस डाटा को हम कहेंगे डर्टी डाटा तो चाचे जो हमारे पास कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी लेवल्स हैं They are based on this notion of the dirty data. Let's see what are those four levels of consistency. The best or the topmost consistency level is called degree 3 consistency. Its four requirements. In yani degree 3 consistency, we will say that we DBMS. It provides degree 3 consistency if it supports these four things. चार चीजें क्या है पहली बात तो ये है कि टी डज नॉट ओवर राइट डर्टी डाटा ऑफ अदर ट्रांजेक्शन अगेन जाहिर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए मल्टी यूजर इन्वायरमेंट ए कंक्रंट एक्सेस एनवायरमेंट मल्टीपल यूजर जो हैं वो अपनी ट्रांजेक्शन जो है एक्सीक्यूट कर रहे हैं और जाहिर है कि उसमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो हैं दे मे जनरेट डर्टी डाटा एक ट्रांजेक्शन कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है वो सम हाउ इट शुड नो दिस पर्टिकुलर डाटा आइटम हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द डर्टी डाटा बाय सम अदर ट्रांजेक्शन तो दो बातें पहली बात तो है कि द ट्रांजेक्शन शुड नो और सेकेंडली यह है कि उसको उसको ओवर राइट नहीं करना चाहिए उस क्योंकि बात यह के फर्द के ना दो ट्रांजेक्शन टी वन और टी टू टी वन ने डाटा जनरेट किया है विच इज डी डाटा यानी वो कमिट से पहला डाटा राइट right हो चुका हुआ है अब यहां पर एक मार्क आ जाना चाहिए कि दिस इज अ डर्टी डाटा अब T2 ने वे लेट्स है कि उसी डाटा को राइट करना है जब उसको राइट करने आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड आइडेंटिफाई दट शुड भी सम मैकेजमेंटिफाई दिस इज डाटा और अगर वो उसको भी यानी कि T2 भी अगर उसको राइट कर देगी इट मींस कि इट हैज ओवर डर्टी डटे डाटा ऑफ सम ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि यह होना चाहिए कि इफ ए ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइज या तो रिकग्नाइजेज दिस इज अ डर्टी डाटा बाय सम अदर ट्रांजैक्शन तो इट शुड वेट क्योंकि जाहिर है कि डर्टी डाटा जो है वो उसी टाइम के दौरान है कि जब तक के एक ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाता जब एक ट्रांजैक्शन कमिट हो गया तो दैट डाटा इज वंस अगेन ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल डाटा या नीड डाटा फ्रॉम द डर्टी डाटा स्टेटस तो फिर जो दूसरी ट्रांजेक्शन है उस वक्त वो उसको ओवर राइट तो पहली कंडीशन तो यह हो गई कि टी ए ट्रांजेक्शन डज नॉट ओवर द डर्टी डाटा ऑफ अदर ट्रांजेक्शन ओके दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट

ऐसे डाटा को रीड मत करे कि जो डर्टी डाटा किया हुआ है किसी और ट्रांजेक्शन ने देखो उसकी रीज़न है सिंपल सी रीज़न उसकी ये है कि एक ट्रांजेक्शन है उसने से एक्स की वैल्यू है एक्स की वैल्यू को उसने कर दिया say, 5 से फाइव से ट्वेंटी कर दिया उसकी पहली वैल्यू फाइव थी फिर से कर दिया ट्वेंटी ट्वेंटी कर दिया लेकिन अभी ट्रांजेक्शन वन जिसने इसको ट्वेंटी किया है उसका कमिट नहीं हुआ और इस दौरान उसने उसको ट्वेंटी कर दिया अब क्योंकि ट्वेंटी वैल्यू हो चुकी है और ट्रांजेक्शन अभी कमिट नहीं हुई अब इस दौरान फर्ज करें एक और ट्रांजेक्शन आके इसी डाटा को रीड करती है इट मीनस कि इट इज रीडिंग द डर्टी डाटा इसको 20 मिल जाएगा लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि जो पहली ट्रांजेक्शन थी वो अबॉर्ड कर जाए अगर वो अबॉर्ड करती है तो वो चेंज जो कि इस ट्रांजेक्शन ने की थी यानी इसने 5 से इसको 20 किया था देट विल हैव टू बी रिवर्टेड जब रिवर्ट करना है तो एक्सक्योरी क्या होनी चाहिए थी फाइव इसका मतलब यह है कि अगर एक ट्रांजेक्शन किसी दूसरी ट्रांजेक्शन का डर्टी डाटा रीड कर रही है तो उसमें इस चीज़ का बहुत खतरा है कि वो बेसिकली एक गलत डाटा को रीड कर रही है कि जो कि उसको रीड नहीं करना चाहिए था तो दिस इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री थ्री कंसिस्टेंसी कि वो किसी दूसरी ट्रांजेक्शन का डर्टी डाटा रीड ना करें उसके बाद यह है कि अदर ट्रांजेक्शन डू नाट डर्टी एनी डाटा रेड बाई टी पीफोर टी कमिट्स इसमें यह है कि अगर एक ट्रांजेक्शन टी है उसने एक डाटा को रीड कर लिया अब दर्ज के अभी ट्रांजेक्शन टी है वो एक आइटम को रीड कर लिया और अभी वो कमिट नहीं हुई अभी वो ऑन है अब एक और ट्रांजेक्शन जिस वक्त वो उसी आइटम को लिखना चाहती है ठीक है ना यानी पहली ड्राजे ने इस ट्रांजेक्शन इसको रीड किया है और दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो उसको राइड करना चाहती है और राइट से भी क्या बना था कि वो इट फॉन्टी डाटा यानी अभी वो राइट right ऑपरेशन कर रही है जबकि वो कमिट नहीं हुई तो दी टू है दैट इज गोइंग टू डर्टी वेट वाई दुड आइडेंटिफाई दिस थिंग दैट दिस डाटा आइटम हैज बिन रेड बाय सम ट्रांजेक्शन एंड दैट द ट्रांजेक्शन हैज नॉट येट कमिटेड तो इसको उस आइटम को डर्टी करने से पहले वेट करना चाहिए के जब तक कि हमारी पहली ट्रांजेक्शन जो है वो कम्प्लीट नहीं चाहती जब वो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाए फिर ये उसको डिटे करे दैट्स द रिक्वायरमेंट तो ये चार रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द डिग्री थ्री कंसिस्टेंसी लेवल और ज़ाहिर है कि हमारी जो एक रिक्वायरमेंट तो यही होगी कि हमें जो बेस्ट लेवल है जो डिग्री थ्री कंसिस्टेंसी है वही मिले लेकिन प्रैक्टिकली ये है, है कि इसके अलावा हमारे पास ये तीन और लेवल्स डिफाइंड हैं तो जो तीन और लेवल डिफाइंड है वो इसी तरीके से हैं कि रिक्वायरमेंट्स तो यही हैं लेकिन यही रिक्वायरमेंट जो है वो एक एक करके कम होना शुरू होती हैं तो उससे नेक्स्ट एक जो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी है दैट इज़ डिफाइंड एंड ऑब्वियसली एज यू गो बैक द कंसिस्टेंसी लेवल जो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी है दैट गेट्स वीकर एंड वीकर मिसाल के तौर पर अगर फोर्थ जो इसका रिक्वायरमेंट थी कि जो ट्रांजैक्शन है वो उस वक्त डेटा को डर्टी ना करे जब तक कि अगर उसको किसी ने रीड कर लिया है तो वो कमिट नहीं करता अगर आप इस कंडीशन को अमिट कर देते हैं एंड यू प्रोवाइड जस्ट फर्स्ट थ्री कंडीशंस तो उस केस में दैट फॉर्म्स द डिग्री टू कंसिस्टेंसी लेवल इसी तरह अगर फर्ज करें कि हम लास्ट टू निकाल दें और हम सिर्फ पहली दो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट फॉर्म्स द डिग्री वन कंसिस्टेंसी और फर्स्ट करें अगर एक हमारे पास इन्वायरमेंट है कि इन विच एन वी आर प्रोवाइड ओनली विद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट या कंडीशन तो दैट वुड बी कॉल्ड डिग्री जीरो कंसिस्टेंसी लेवल तो डिपेंडिंग अपॉन द डीबीएम दे प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंसिस्टेंसी आई आगे चलते हैं तीसरा हमारे पास जो एसिड प्रॉपर्टीज में से जो आई के लिए प्रॉपर्टी है वह है isolation. A transaction cannot reveal its results to other transactions before commitment yeah, before it commits required in particular when one of the transaction is updating a common data item yani isolation an is environment that although transactions are executing concurrently it seems as if each transaction is executing in isolation इज आइसोलेशन is तो जब तक एक ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाती इन ट्रांजेक्शन आपने रीड करना शुरू की एक स्टार्ट की ट्रांजेक्शन और डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं जब तक वो कमिट ना हो जाए तो जो डाटा आइटम्स इस ट्रांजेक्शन ने यूज किए वो डाटा आइटम जो हैं वो दूसरे ट्रांजेक्शन्स को अवेलेबल ना हो उनको नजर ना आए उन तक उनकी अप्रोच ना हो और दिस थिंग इज़ स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड और डेफिनेटली रिक्वायर्ड कि जिस वक्त जो है वो इसमें राइट ऑपरेशन जो है वो इन्वॉल्व है, और जिस ऑपरेशन के ऊपर राइट ऑपरेशन किया जा रहा है जिस डाटा आइटम के ऊपर राइट ऑपरेशन किया जा रहा है दैट इज़ बिंग एक्सेस सम अदर ट्रांजेक्शन्स चनाचे अगर दो ट्रांजेक्शन हमारे पास हैं और वो दोनों सिर्फ रीड कर रही हैं डिफरेंट डाटा आइटम्स को तो उस केस में तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन अगर ये डाटा आइटम एक दूसरे के एक दूसरे पर रिवील होते भी हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर इन दोनों ट्रांजेक्शन में से कोई एक एक कॉमन डाटा आइटम को राइट कर रहा है तो उस केस में दिस क्व भी डेंजरस कि आप बिफोर ए ट्रांजेक्शन कमिट्स आप उसके डाटा आइटम्स को या उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको शो कर दें रिवील कर दें टू समर ट्रांजैक्शन और दिस वुड भी वायलेशन ऑफ द आइसोलेशन रिक्वायरमेंट ये हमारे पास ये दो ट्रांजैक्शंस हैं। इसमें आप देखिए कि वन हमारे पास ट्रांजैक्शन है इसमें है रीड एक्स इक्वल टू एक्सप्ल वन राइट एक्स और कमिट। तो टी है वो है रीड एक्स एक्सल्लेस वाई राइट एक्स और कमेट अब ये दो ट्रांजेक्शन है अगर आप इनको एक के बाद दूसरी एग्जीक्यूट करें तो जाहिर है इसके दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं एक क्या है कि आप पहले T1 को कर लें फिर T2 को कर लें और दूसरी है कि पहले T2 को कर लें फिर T1 को कर लें दो ही इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है लेट्स से के इसमें x की जो इनिशियल वैल्यू है जो बिफोर द स्टार्ट ऑफ दीज टू ट्रांजेक्शन उससे पहले अगर एक्स की वैल्यू फिफ्टी थी तो अगर आप ट्रांजेक्शन वन को पहले एक्सिक्यूट करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो एक्स है दैट इज बिकमिंग फ्रॉम फिफ्टी टू फिफ्टी वन एंड दैट इज बिंग रिटर्न देखिए एक बार नोट करें कि दोनों ट्रांजेक्शन में एक कॉमन डेटा आइटम इस्तेमाल हो रहा है दैट इज एक्स और दूसरी बात है कि दोनों ही इतफाक से राइट भी कर रही है उसको मतलब हमने तो कहा था कि वी नीड टू बी केयरफुल इवन इवन वन ऑफ दैम इज राइटिंग द कॉमन डाटा आइटम इन दिस केस बोथ ऑफ दैम आर राइटिंग द कॉमन डाटा आइटम ओके तो अगर T1 के बाद जब हम T2 को एग्जीक्यूट करेंगे तो T2 को मिलेगा 51 और वो उसको 52 बनाएगी और उसको राइट कर देगी अब इन दोनों सेट दोनों जो ट्रांजेक्शन हैं इनको हम चाहे पहले T1 को करें और फिर T2 को करें तब भी हमारा X जो है जो कॉमन डाटा आइटम है वो 50 से 52 हो जाएगा और अगर हम T2 को पहले करें और T1 को बाद में करें तब भी वो फिफ्टी से फिफ्टी हो जाएगा तो इसमें तो हमें आ, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया लेकिन अब देखिए इस केस में जबकि के हम बात कर रहे हैं कंक्रंट एक्सेस की मल्टीपल यूजर्स की अब हम कहते हैं कि हमारी जो एक्सीक्यूशन दैट इज इंटरलिफ्ड इंटरलिफ्ट से हमारा यह है कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन के जो डिफरेंट ऑपरेशन हैं वो आपस में बारी बारी, बारी एग्जीक्यूट हो रहे हैं अब इस वक्त आपके सामने एक जो इंटरलिफ्ड एग्जीक्यूशन है वो चल रही है वो कैसे चल रही है कि टी वन का रीड पहले हुआ आपने एक्स को रीड किया फिर टी वन ने एक्स में एक एड कर दिया फिर T2 ने x को रीड किया और फिर T1 ने x को राइट कर दिया फिर T2 ने x में एक ऐड कर दिया और T2 ने x को राइट कर दिया फिर T1 कमिट हुई और फिर T2 कमिट हो गई इसमें एक आप चीज़ नोट करें कि क्योंकि x की जो इनिशियल वैल्यू थी दैट वाज 50 T1 ने जब उसमें एक ऐड किया दैट बिकम्स 51 लेकिन उसके बाद जब टी ने उसको रीड किया बिकॉज

और जब टी टू राइट करेगा x को दैट विल ऑल्सो राइट फिफ्टी वन और फिर टी वन का हुआ टी टू का हुआ अब क्या हो रहा है कि अब आपको इन दोनों ट्रांजैक्शन के एंड पे जो आपको x की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी फिफ्टी वन हालांकि इसको फिफ्टी टू होना चाहिए था एक डिफरेंस से शायद आप इस चेंज को कहें कहीं तो छोटी सी चेंज है एक का फर्क पड़ा है लेकिन ये एक जो फ़र्क है ये एक लाख का भी हो सकता था एक करोड़ का भी और इससे भी बड़ा तो बात तो यह है कि देर इज अस्टेक ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं लॉस्ट अपडेट कि आपकी कोई अपडेट थी दैट इज लॉस्ट यह वो सिचुएशन है कि जब हमने कहा कि क्योंकि वी डिड नॉट मेंटेन द प्रॉपर आइसोलेशन लेवल दैट इज वाई दिस थिंग हैज हैपन्ड कि आपकी जो अपडेट्स हैं वो लॉस्ट हो रही है क्योंकि क्योंकि आप एक ट्रांजेक्शन का जो इम्पैक्ट है यू आर रिवीलिंग दैट टू अदर ट्रांजेक्शन बिफोर दिस ट्रांजेक्शन इज कमिटेड आज के लेक्चर का वक्त खत्म हो गया इस टॉपिक को इस चीज को हम इनशाला आगे लेके चलेंगे आज की ट्रांजेक्शन में आज के लेक्चर में बेसिकली हमने जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है इसके टॉपिक को टच किया है हमने इसको डिस्कस करना है इन द डिस्ट्रीब्यूटेड एड एफ सिस्टम इन्वायरमेंट

डेटाबेस बेस है या डेटाबेस जो रनिंग है उस दौरान हमारी मेजर रिक्वायरमेंट यही है कि डेटाबेस बेस शुड बी कंसिस्टेंट क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है इफ इट इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स प्रॉपर्ली द बिजनेस रूल्स तो फिर डेटाबेस को मेंटेन करना उसको रखना उस पे सारी कॉस्ट सारी एफर्ट ऑल इज़ वेस्ट और मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अल्लाह हाफिज़